ये देखो यार, ये दिख रहा है उड़ते? हाँ ये दिख रहा है उड़ते। तो भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, मजा आ गया, तो जन्नत है। तो यार वो देखो, इसी चीज के लिए तो हम नीचे पैदल आ रहे थे ताकि आपको अच्छी तरह से दिखा पाए रोप वे का नजारा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:47 और हम हैं ज्वारना कनातल में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और देख रहे हो आप, पूरे कोहरा कोहरा छा रखा है। मतलब यहाँ पर भी हल्की हल्की सी हमें ठंड लग रही है, हल्की हल्की सी। और मैंने बाइक खड़ी करी हुई है, मेरी बाइक खड़ी है इधर। यहाँ से निकलने का हो गया टाइम, मतलब मंदिर के लिए। लेकिन भाई उससे पहले दिखा दूँ, पूरे क्लाउड हो गए भाई, क्लाउड हो रखे, दिखाता हूँ अभी। ये ना पूरे ऊपर क्लाउड हो गए और तो मौसम भाई ऐसा हो गया, बारिश वाला हो गया पूरा मौसम। अभी बज रहे हैं 9। फॉगी वेदर मैं बता देना आपको, यहाँ से फॉग निकल रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो यार, ये दिख रहा है उड़ते? हाँ ये दिख रहा है उड़ते, उड़ते फॉग दिख रहा है ना आपको? भाई साहब मस्त। ऐसी कुछ लोकेशन है जहाँ पर हम रुके हुए हैं और फॉग फॉग हो रहा भाई पूरा। अभी चलते हैं सुकंडा देवी टेम्पल, आपको दर्शन कराते हैं, फिर वापस आएंगे यहाँ नाश्ता करने, फिर निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो जी निकल लें, ट्रिप मीटर कर लिया है 0। सुरकंडा देवी टेम्पल के लिए निकलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको करवाते हैं दर्शन सुरकंडा देवी टेम्पल के। यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर है और 1 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, वो भी करेंगे। उमेश भाई निकल गए हैं आगे, हम भी निकलते हैं, उनको कैप्चर करते हैं। मैंने ना फिलहाल जैकेट, राइडिंग जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना, देख सकते हो भाई ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और फॉगी फॉगी वेदर हो रखा है, पूरा मस्त हो रखा है यार, मस्त हो रखा है वेदर। देख सकते हो क्या मस्त यार, मतलब कि यहाँ ना आप फैमिली के साथ आके रह सकते हो। एक तो मतलब काफ़ी हाइट में है ये, मतलब जो इस जगह के लोकेशन है उससे ज़्यादा हाइट में है ये। तो यहाँ ठंडी हवा मस्त है यार और बिल्कुल स्वच्छ वातावरण है, बिल्कुल स्वच्छ। ये है अपनी बाइक और यहाँ से नीचे दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है हल्का हल्का सा, आप देखो यार। ये सारा फॉग है भाई सारा। और ये निकली है अपनी उत्तराखंड रोडवेज, धुआंधार धुआं करते हुए। ये जा आ रही होगी आई थिंक देहरादून से टिहरी के लिए, न्यू टिहरी या टिहरी डैम के लिए। भाई साहब बहुत तेज ठंड लग रही है यार, रोड मस्त है। सुकंडा देवी टेम्पल बस जस्ट पहुंचने वाले हैं, यहाँ फैमिली वेट कर रही है। भाई साहब क्या देख रहा हूँ मैं ये भाई साहब, हाँ अरे भाई क्या जबरदस्त फॉग आ रहा है भाई, क्या जबरदस्त फॉग आ रहा भाई, भाई फॉग फॉग है, देखो यार क्या मस्त फॉग हो रखा है। सुरकंडा देवी टेम्पल का बस यहाँ से जस्ट सुरकंडा देवी टेम्पल का पाथ स्टार्ट हो गया, यहाँ से 7 किलोमीटर आ गया धनौल्ती। अब भाई ये वेदर देख रहे हो अब भाई साहब मस्त हो रखा भाई वेदर, मस्त पूरा फॉग हो रखा, हम ऐसे लग रहे हैं फॉग के अंदर से जा रहे हैं भाई, दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो आप, हम यहाँ पर हैं भाई, सिर्फ वहाँ पर हैं इधर पर, और भाई भाई नहीं दिख रहे इतना फॉग हो रहा है यार। और एक गाड़ी आ रही है, ये देखो स्कूटी दिख रही है आपको, मतलब विजिबिलिटी जो है ना भाई, यहाँ 20 मीटर हो गए, 20 मीटर 20 मीटर से कम है अब तो। अरे भाई देखना ये देखो, अभी अभी जस्ट नीचे दिखाया था ना मैंने आपको, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा। अरे भाई इसे कहते हैं मौसम।
कुछ नहीं दिख रहा यार भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा भाई, मजा आ गया यार। पहले मैं सोचा था ना, पहले हम सोचे थे गोप्रो ना लाए, फिर नहीं यार, मतलब कि होता है ना कि एटलीस्ट रोड का तो जो व्यू होता है वो दिखाना चाहिए, तो इसीलिए मैं गोप्रो ले आया था, क्योंकि उम्मीद भाई का तो गोप्रो भाई ख़राब हो गया, अब दिल्ली जाएंगे तो वो ख़रीदेंगे एक नया गोप्रो। तो भाई कैसा लग रहा है? तो भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ? भाई दिल्ली में जैसे कि आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है और यहाँ इतनी ठंड हो रही है, फॉग ही देख सकते हो आप, देखो फॉग देखो यार, कभी कम हो रहा है अब बहुत तेज हो रहा है। आप देखो यहाँ साफ दिख रहा होगा आपको, गोप्रो में तो इतना जस्टिस नहीं होता, लेकिन भाई साहब दिख रहा है एकदम से, ऐसा हो रहा है कि भाई जहाँ भाई खड़े ना वहाँ भी दिख रहा है, इतना ज़्यादा हो जा रहा है। तो यही हॉर्न मारते चलो और फॉग लाइट जला चलेंगे। हाँ तो बस यही है। और ये देखो 948 हो रहा है 948 और हॉर्न मारना पड़ रहा है, फॉग जलाना पड़ रहा है भाई। फॉग तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसे चल रहा है, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है, मज़े में कोई कमी नहीं है भाई, मज़े फुला रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट है जो है ट्रैकिंग सुरकंडा देवी टेंपल की, अभी देखते हैं। यह है सिद्धिपीठ माँ सुरकंडा देवी टेंपल। का ऐसे लगा दूँ? तो भाई यहाँ पर हम आ गए हैं, हमने अपनी बाइक को लगा लिया पार्क में, बहुत ही अच्छी तरीके से लगाई है पार्क में, ये देख सकते हो आप, दुकान के अंदर डाल दिया है, मस्त हो गए। अभी बात करते हैं अंकल से। तो हमने जो हम बाइक पार्क की है, अंकल जी ने करवाई है बाइक पार्क, और बिना कोई चार्ज का, नो चार्ज और यहाँ से प्रसाद ले जाना, प्रसाद ले जाना पड़ता है। अंकल जी क्या होता है प्रसाद में? एक पानी वाला नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है, माता का श्रृंगार होता है, माता के श्रृंगार है, माता की चुन्नी होती है, माता की चुन्नी हो गई ये वाली जी, हाँ जी, और दो बत्ती, माचिस, मुरमुरा, लची दाना। और अंकल जी ये जैसे मंदिर, तो आप ये देख रहे हो मंदिर का स्टार्टिंग ये है, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? डेढ़ किलोमीटर। और ये कौन से एग्जैक्टली वो पड़ता है, एरिया कौन सा पड़ता है, जगह का नाम क्या है? कद्दूखाल है। हाँ जी कद्दूखाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ जी, तो हम प्रसाद लेते हैं और फिर निकलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए माता रानी का। और ये है प्रसाद, ये पैकेट बना रहता है, ऐसे केवल 100 रुपये में, केवल 100 रुपये ओनली 400। चलो हम प्रसाद लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई मार्केट में आ चुके हैं और उमेश भाई और प्रकाश भाई है, वहाँ चलेंगे मंदिर पे दर्शन करने, फिलहाल लेते थे प्रसाद, फटाफट प्रसाद लेते हैं और निकलते हैं 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने और माता के दर्शन करने। तो एक फैसिलिटी और भी है, यहाँ से आप ट्रॉली के थ्रू भी जा सकते हो, जिसका केवल मात्र कितना है? 205 रुपये, 205 रुपये पर पर्सन अप एंड डाउन, दोनों 205 रुपये में, बहुत रीजनेबल रेट है। तो भाई जैसे फैमिली के साथ आते हो ना आप, जिसके पैर में दर्द है, एज पर्सन होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। अभी ट्रॉली से ही चलेंगे, आपको दिखाएंगे ट्रॉली के नज़ारे, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी मैंने भी ले लिया प्रसाद, और अंकल जी पेमेंट उसमें कर लो। लो जी, सबसे बढ़िया फैसिलिटी ये होती है कि आपको पेटीएम की फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब किसी भी उससे मिल जाती है फैसिलिटी। तो अंकल जी को देते हैं 100 रुपये, फिर निकलते हैं आगे। तो फिलहाल आपको दिखा देते हैं ये जो मार्केट है ना मंदिर से नीचे जो है, इसका प्रीव्यू दिखा देते हैं। ऐसे कुछ मार्केट है, होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, और वो है मंदिर के एंट्री, आप मतलब कि पैदल भी जा सकते हो और ट्रोली के थ्रू भी जा सकते हो। तो अभी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और यह द्वार, यहाँ से द्वार से यात्रा स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं स्टेप बाई स्टेप कैसे कैसे जाएंगे। तो ये स्टेप्स हो गए स्टार्ट, और ये देखो आप सिद्धपीठ माँ सुरकंडा देवी टेम्पल मुख्य प्रवेश द्वार। तो यहाँ से चलते हैं, करते हैं एंट्री और इसकी करते हैं, बताते हैं आपको
मंदिर का पूरा सीलिंग बस करने का, आगे चलते हैं। जय माता। तो माता रानी के दर्शन करने आए, सब कुछ अच्छा हो और अच्छी यात्रा रहे हमारी। बिल्कुल। तो करीब अभी हम 20-25 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आए थे। तो यहाँ भी रूम भी अवेलेबल है और नीचे नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। ये रुपए की एंट्री है, यहाँ से पहले टिकट लेना है यहाँ तक, और इतनी भीड़ है ना, रुपए का जो टिकट है 195 रुपए की टिकट है, 205 प्लस 10 रुपीस GST। और कुछ आगे आपको पानी की सुविधा भी मिल जाएगी। रोपवे यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से ऐसे जाता ऊपर, वो ऊपर मंदिर तो अपना तो जो हमने ले लिया 3 टिकट। रोपवे यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरी मशीन देखो कैसे घूमती है। और जो मंदिर है देखो, रोपवे आ रहा है, देखो आ रहे हैं रोपवे। और वो है मंदिर ऊपर चोटी में। तो भाई रोप वे में भी इतनी भीड़ हो रही है, मस्त हो रही है भीड़। अभी तो मैं एंट्री भी नहीं करी है रोप वे। एंट्री करते हैं ना भाई, ये देखो रोप वे की, मस्त ऐसे जा रहा है रोप वे। काफी लोग करते हैं 20 मतलब कि जो 4 रोप वे है ना, क्या एक बार है बाकी हम यहाँ बैठे हुए। तो भाई बैठ इंतजार करना कैसा लग रहा है आपको? तो भाई 1 रुपये आ रहा है, भाई रुपये में करते हैं एंट्री। तो भाई मेरा तो फर्स्ट टाइम है रुपये में। भाई आपका फर्स्ट टाइम ही है? चलो भाई हम तीनों भाई का फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल सही, थर्ड टाइम है। अब थर्ड टाइम है चले जाओ फोटो ले। चलो भाई सभी का फोटो बैठ चुके हैं भाई लोग कि हम रोप वे से कर रहे हैं स्टार्टिंग। तो फर्स्ट हां खिड़की खोल भाई, नीचे उतरना पड़ेगा खिड़की खोलने के लिए। तो ये है भैया शानदार नजारा व्यू। तो अभी हम चल रहे हैं स्लोली स्लोली, अभी जो है सारे लोग। अरे भाई फर्स्ट टाइम है भाई, थोड़ा डर सा तो लग रहा है। थैंक यू वेरी मच पांडे जी, हमारे ब्लॉग के आप भाई मेरा ब्लॉग का नाम है B1 Vlogs, वो भी भाई जरूर देखना भाई, आप सब आओगे उसमें। और भाई से भी बातें करते हैं भाई, मजे मजे में पूछते हैं भाई से। कहा भाई कहाँ से आ रहे हो आप? ओडिशा से। ओडिशा से जगन्नाथ भाई, जगन्नाथ। अरे भाई ये देखो यार, तो भाई ये देखो एक एक पीछे भी रोपे आ रहा है, आप देख सकते हैं टावर, जो टावर है ना टावर के ऊपर भाई, फॉग वगैरह भी हो रहा है मस्त यार। सड़क पीछे वहाँ से हम आए थे, और ये देखो आप राइट साइड का व्यू जा रहा है। अरे भाई अच्छा खड़े मत, बैलेंस पकड़ जाएगा, खड़े मत ना, खड़े मत हो जाएगा भाई, बहुत हाइट में भाई, बहुत ही हाइट में देख रहे हैं आप देख सकते हैं ये रुक नहीं जा रही है। नहीं नहीं आ रही है, आगे आहिस्ता आहिस्ता है ना, उधर उतरेंगे फिर उधर लोग। ये मेरा तुम ये है कि अगर आपको हाइट से डर लग रहा है ना, मतलब कि पहुंच ऊपर जाने में, तो नीचे उतरते हुए आप पैदल आ सकते हो, पैदल आ सकते हो। अंदर जो है ना इसका वाइब्रेशन भी होता है इसके अंदर, आते वक्त अगर एक्सपीरियंस करना है ना भाई, तो पैदल आते हैं। मैं से बता रहा हूँ, मैं भी पैदल आऊंगा। पता क्यों? इसमें जब पैदल उतरने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है।
बैठे बैठे बहुत। अरे ये देखो यार, थोड़ा बहुत कुछ ब्रह्मपुर का कुछ हो भी रहा है। ये पहुंच चुके हम, जय माता दी। माता रानी ने हमारी जो ये रोपवे वाली राइड है ना, बहुत ही सुकून वाली, एडवेंचरस, और थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है यार, लेकिन कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम आता है डर लगता ही है, लेकिन ये एक बार बैठ गया तो फिर हो चुके हैं, डर जो है खत्म हो जाएगा। तो जो लोग पैराशूट ऊपर से जय माता जब मर रहे थे, किसे लगा कर लो। तो ये सुरकंडा देवी टेम्पल से जो श्रद्धालु नीचे को जा रहे हैं ना, उनका रोपवे जा रहा है ये। देखो स्पीड पकड़ ली इसने। तो भाई यहाँ से करते हैं एंट्री। जय माता दी। माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं बाहर, वहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ से एग्जिट करते हैं। ये आपको प्राइवेसी मिलता है, यहाँ पर बैठ के ध्यान कर सकते हो, अंदर भी बैठ के ध्यान कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पूरे इसका व्यू का जो माउंटेन व्यू है उसका आनंद ले सकते हो। अभी दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैमरे से। तो वो तो आपको बताइए कि रोप वे है, और यहाँ नीचे जूते रख के ऊपर आते हैं हम यहाँ से, और यहाँ बहुत सारी फैमिलीज वगैरह आ रखी है। बातें करेंगे अभी किसी से और दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और भाई सब अच्छी हाइट में, मतलब रोप वे से आ सकते हो, लेकिन रोप वे में डर भी लगेगा आपको। बिल्कुल नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपको ये दिख रहा है राइट साइड में, ये एरिया, ये थे मार्केट जहाँ हमने बाइक पे खड़ी करी, और ये है रोप वे जहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये मंदिर से जब आप दर्शन करके बाहर आओगे तो वहाँ पर आपको ये चौपाल टाइप का मिलेगा, जहाँ आप बैठ सकते हो, फोटो वगैरह खींच सकते हो, और यहाँ है एक फूड काउंटर, तो उसमें आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे जो आपको खाना है। क्योंकि देखो तो यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, एजड पर्सन भी होते हैं, तो भूख जल्दी लगती है, तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है मंदिर का परिसर, बहुत ही अच्छा मंदिर है यार, 51वां शक्तिपीठ है ये। काफ़ी श्रद्धालु आ रखे हैं रोपवे से, रोपवे की सुविधा भी है इसमें, ₹205 राउंड ट्रिप का, बहुत कन्वीनियंट है और बहुत बहुत सस्ता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा, बहुत सस्ता है, ₹205 कुछ नहीं होगा। तो हम सब माता रानी के, माता सुरकंडा देवी के दर्शन करके आ चुके हैं, और बाहर आके भाई कितना अच्छा लगा, प्रेमिसेस में इतनी रश है ना माता रानी के दरबार में, श्रद्धालु कितनी भीड़ है माता के दर्शन करने के लिए। तो भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, माता जी के दर्शन, जन्नत है, जन्नत स्वर्ग जैसा लग रहा है, फील होगा आपको यहाँ पर। लेकिन एक बात
पहले कभी रखी है कि हम ड्रोन लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे ड्रोन कैसे उड़ाए, हवा चल रही है एंड मौसम खराब है और कुछ मौसम बहुत खराब है, हवा बहुत तेज चल रही है, कहीं ड्रोन गो एंड गॉन हो जाए। और यहाँ पे मतलब दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा, पहाड़ियाँ तक नहीं। अगर मौसम साफ होता, क्लियर होता तो ड्रोन यहाँ पे उड़ाता फर्स्ट क्लास, लेकिन क्या करें, यहाँ तो पूरा फॉगी फॉगी मौसम चल रहा है। आप ही आइए, कैसा आना क्या आना, इनके चैनल के ब्लॉग में बता देंगे आपको यहाँ तक कैसे दिल्ली से लेकर यहाँ तक यात्रा कैसे हो, डायरेक्ट बस आती है उसे यहाँ तो दर्शन के लिए बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली के साथ आओ, सबसे बढ़िया है फैमिली के साथ आना। तो भाई यहाँ बैठे हुए आराम से कोहरा हो गया, छट गया हमारा कोहरा पूरा दिख रहा है आपको। तो ये रोप पे जा रहा है और ये पूरा कोहरा छटने के बाद ऐसे दिख रही है वैली भाई, ऐसे दिख रही है। तो दर्शन करके जा रहे हैं वापस, माता रानी के दर्शन करके जा रहे हैं। अब निकलेंगे भाई, निकलेंगे रोप पे से, ओम प्रकाश भाई और उमेश भाई और मैं जाएंगे बाय स्टीयर और दिखाएंगे आपको रोप पे और बाकी नीचे का नज़ारा। तो भाई यहाँ से ये है रोप वे का और भाई जाएंगे रोप वे से, भाई भाई रोप वे से जाएंगे उमेश भाई और मैं, उमेश भाई और मैं जाएंगे पैदल, क्योंकि हमें ना हम पहले जा रहे हैं और ये पैदल देखो किस जा रहे हैं। नहीं मेरे को पैदल उतरने का एक्सपीरियंस बहुत है, इनको नहीं है, इस वजह से इनको मैं पैदल भेज रहा हूं। ये हमारे साथ काम चोरी कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हमें जो व्यू ले रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए वो पैदल से ही आएगा, चढ़ाई मुश्किल होती है, उतरना तो आसान होता है। चलो भाई मिलते हैं, हमें मिलता है भाई से 15 मिनट के बाद। चलो सेफ जर्नी। तो जो भाई को करते हैं भाई 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 तो भाई को भाई करते हैं और बाकी आपको ना हाँ पैदल रास्ता दिखाएंगे, रोप वे का जो सीनिक व्यू दिखाएंगे आपको भाई साहब मज़ा आ जाएगा। नीचे जा रहा है पैदल तो, क्योंकि आपको सारा दिखाना है व्लॉगिंग में तो ऊपर चढ़ाई में टाइम लग जाता, इसलिए हम चले गए रोप वे से नीचे उतारने में, आपको पूरा सीनिक व्यू दिखाएंगे। तो भाई अब मंदिर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक मतलब कि पूरा पाथ मिल जाए। तो यार वो देखो, इसी चीज़ के लिए तो हम नीचे पैदल आ रहे थे ताकि आपको अच्छी तरह से दिखा पाएं रोप वे का नज़ारा। ये देखो दो रोप वे आ रहे हैं ना, ये देखो दो रोप वे आ रहे हैं, एक जा रहा है एक आ रहा है। तो उसमें जो है ना सुरगंधा देवी टेंपल की जो चढ़ाई है ना भाई बिल्कुल इंक्लाइन है, तो अगर प्रेफर ये करना कि आपके साथ फैमिली मेम्बर्स में एजिड होंगे तो पैदल मत आना, क्योंकि बिल्कुल चढ़ाई है, आपको नॉर्मल रास्ता नहीं मिलेगा। तो जो रोप वे है ना उसके एग्जैक्टली मैं नीचे हूँ और ये रोप वे आ रहा ऊपर को, सिर्फ इसी सीन को दिखाने के लिए ही हम पैदल जा रहे हैं वापस, नहीं तो रोप वे में जो फेयर होता है ना अप डाउन का होता है, एक ही अमाउंट में आपको ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी आ सकते हो। ये देखो भाई बैठे हैं बंदे, ये तो जा रहे देखो रोप पे ऊपर और एक जा आ रहा है रोप पे नीचे को। अब ये देखो एक दूसरे के पैरेलल आ गए है ना मस्त। आए ना आपको मजा इस वीडियो को देखने को, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो वो जा रहा रोप पे और उमेश भाई ऊपर से आ रहे हैं, उमेश भाई वहाँ से बना रहे थे व्लॉग, अब मैं यहाँ से बना रहा था ताकि एक दूसरे की आवाज़ एक दूसरे को नहीं आए। तो उमेश भाई कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो छाया में बात करते हैं, वो सही रहेगा तो, क्योंकि छाया में ना वीडियो भी अच्छी आएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ जो आप देख रहे हैं ना ये वीडियो आपको भी आना चाहिए। जय माता दी। तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक पूरा डायरेक्ट आ सकते हैं, टैक्सी चाहे बाय टैक्सी आओ, चाहे बाय बाइक से आओ, चाहे कार से आओ, बस से आओ। आप आओ, लेकिन बहुत रात को बैठो दिल्ली से सुबह यहाँ, और बहुत अच्छा वेदर रखा भाई, कभी धूप कभी छाव, देखो अब धूप हो गई, अभी पहले दिखाया था बिल्कुल फॉगी था जब होटल से आए थे तो नॉर्मल फॉग था, बीच में ज्यादा फॉग है, ऊपर फॉग है। तो जो ये रोप वे का ना एक होता है पिलर टाइप का,
जो रोपवे को अपना वेट सारा लेता है। तो देखो यहाँ से आ रहा है रोपवे और ये उसका एक पिलर, ये कुछ ऐसे होता है। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ से जब निकलेगा ना तो खटखट खटखट आवाज़ आती है। इसमें देखो प्रेशर आ रहा है ना, तो ये चीज़ आवाज़ कर रही है। ये देखो आवाज़ करता ना इधर, अभी मिड स्टेशन में आ गए हम। मतलब नीचे से जब आओगे ना आप या ऊपर से नीचे जाओगे तो ये मिड में पड़ेगी एक शॉप, आप यहाँ से भी सामान ले सकते हो। क्योंकि देखो नीचे से अगर बेसिकली क्या होता है, अगर आप माता रानी के दर्शन करने आए तो जितने ज़्यादा हो सके पैदल ही यात्रा करो। देखो हम तो इसलिए रोप वे की हमने वो ली थी क्योंकि तो ऊपर जाने में टाइम लगता है, ठीक है। रोप वे से क्या होता है आप जल्दी चले जाओगे, लेकिन नीचे उतर के नीचे उतरने में आसानी होती है, इसीलिए हमने रोप वे से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि रोप वे की भी आपको वीडियो दिखानी होती है, रोप वे में कैसे जाएंगे, कितनी रुपये की टिकट है, सब कुछ बताना होता है, रोप वे का थोड़ा सीन दिखाना होता है, इसलिए हम रोप वे से चले गए ताकि हम जल्दी ऊपर चले जाएँ। और नीचे आने में इसलिए होता है कि ताकि आपको दिखा सके कि रोप वे भी यहाँ चलते रहते हैं और उसका व्यू क्या आता है वो आपको दिखाने के लिए, और रास्ते में क्या क्या दुकान पड़ेंगी, कैसे कैसे सामान मिलता है वो आपको सब कुछ दिखाने के लिए। सकलानी जी आपकी दुकान कहाँ पर है? ये मिड पॉइंट पे सर, यहाँ मिड पॉइंट आधा रास्ते पे पड़ता है, आधे रास्ते पे पड़ता है। तो सकलानी जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये रुपये जैसे कि वो अभी वो खड़ी हो गई है तो यहाँ पर एक तुमको डर लग गई, यहाँ पे हालत खराब हो गया, डरने की तो कोई बात नहीं, डरने की तो बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने मन में सोचा कि हमारे उत्तराखंड काफी विकास हो गया है, उत्तराखंड पैसा कमाना इसमें अभी अच्छा पैसा कमा रही है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं कि क्या ये रोपवे हमारे उत्तराखंड सरकार की है? नहीं सर, ये उत्तराखंड सरकार की तो नहीं है। अच्छा, ये है दिल्ली की कंपनी, कोई दिल्ली की कंपनी है ये? यहाँ पर ना सब कुछ मिल जाएंगे आपको, धागे वगैरह, भगवान की मूर्ति वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ये चीज सकलानी जी के शॉप से हम लेंगे क्योंकि बच्चे के लिए भी लेना है ना, गले में पहनते नहीं पहनते, दोनों भतीजे के लिए, एक भतीजे के लिए और भांजी के लिए भी लेना है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, ए टू जेड मिल जाएगा, पानी की भी सुविधा है और छोटी सी कार्ड है लेकिन अच्छी है। भाई अभी हम हाफ वे से नीचे आ गए हैं और ये आ रहा है अपना रोप वे और ये ऊपर तक जाएगा और यहाँ से दौल भाई पैदल भी जाते रहते हैं। तो देखो यार ये रोप वे हो गया बीचों बीच में, एक्चुअली क्या होता है चार रोप वे, दो ये हैं, एक उस नीचे है और एक टॉप में है। तो देखो वहाँ से रोप वे स्टार्ट ही होती है, बस नीचे आ गए हम और ज्यादा तो बहुत दूर पर है यार। देखो रोपवे आ गया वापस अपने डेस्टिनेशन में और ये ओम प्रकाश भाई यहाँ हमारा वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप पैदल पथ यात्रा स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये इसमें सब कुछ आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है और कितनी किलोमीटर की दूरी है। उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से लगा है, धनौल से 5, मसी से 33, टिहरी बांध से 48, कुंजापुरी देवी मंदिर 66, नरेंद्र नगर से 67, ये है इसका पूरा कितने मतलब डिस्टेंस है कहाँ से। देखो जब हम थे वहीं ऊपर थे, यहाँ से ये इधर ही भीड़ होगी भाई इतनी, तो सोचो कितना टाइम लगेगा और इनको। तो मंदिर से नीचे का नज़ारा देखो भाई क्या मस्त दिख रहा है, बस एग्जिट हो ही चुके हैं लगभग मंदिर से। हमने अपनी बाइक वो कोने में और यहाँ से मंदिर से होते हैं दर्शन करके निकलते हैं अपनी अगली जर्नी करने के लिए। जय हमारा सुरकंडा। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड और आगे की जर्नी बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तो अभी आप ये माता के जयकारे जोड़ लगा देना, जय माता दी लिख देना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी आपकी मस्त वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।